देखिए दोस्तों, आज ओरमांझी पार्क आए हुए थे और देखिए ओरमांझी पार्क में आने के बाद में दोनों छोटा बड़ा हाथी देखने को मौका मिला और ऐसा सामने से बहुत दिनों के बाद में ये हाथी वगैरह सबको देख पाए। नमस्ते जोहार दोस्तों, फिर से नमन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों देखिए कि आज यहाँ ओरमांझी पार्क घूमने के लिए आए हुए हैं। देखिए उधर में गाड़ी वगैरह सब खड़ा करके आ गए हैं इधर आगे तरफ, और उधर आगे में जा रहे हैं अभी टिकट वगैरह सब लेने, उसके बाद में फिर अंदर में जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ। देखिए दोस्तों, टिकट काउंटर के पास आ चुके हैं और देखिए टिकट काउंटर के पास में कितना भीड़ है। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ लाइन में लग के हम भी कुछ देर के बाद में टिकट ले लेते हैं, उसके बाद में फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखिए दोस्तों, उधर अंदर में हेलमेट जो है वो सबको लेने नहीं दे रहा है, इस वजह से हम लोग को इधर बाहर में ही रखना पड़ रहा है हेलमेट। अब देखते हैं कि इधर कहाँ पर रखने के लिए बोला जाता है। देखिए दोस्तों, इधर ओरमांझी पार्क घूमने के लिए आए हुए थे तो फिर यहाँ पे हेलमेट वगैरह सबको अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है, तो फिर यहाँ रखने का भी सुविधा है और यहीं पे रख रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों, अंदर में बहुत सारा सामान वगैरह सब रखा हुआ है और यहाँ पे नाम लिख करके वहाँ पे रखते हैं अपना सामान वगैरह सबको। देखिए यहाँ पे सामान रखने का रूम है यहाँ अलग से, वहाँ पे भी आप लोग सामान वगैरह सबको रख सकते हैं जो अंदर लेने नहीं दिया जाता है सबको। और देखिए यहाँ पे सामान रखने के बाद में फिर उधर जा रहे हैं, चाहे कि मेरे पास हेलमेट था तो हेलमेट को रखे तो फिर उसका 10 रुपया चार्ज लिया है यहाँ पे। और उधर आगे में जा रहे हैं, अभी टिकट तो ले लिए थे लेकिन अंदर जा रहे थे उस टाइम वहाँ पे हेलमेट वगैरह सबको अंदर लेना नहीं है बोल करके रोक दिए थे वहाँ पे, तो फिर अभी अंदर में जा रहे हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से टिकट ले चुके हैं और यही है टिकट, और चलिए अब अंदर चलते हैं यहाँ से चेक कराने के बाद में। देखिए यही वो टिकट है, अब यहाँ पे चेक करा लेते हैं, उसके बाद में देखिए अब अंदर आ चुके हैं। और यहाँ से जाने का दो रास्ता है, एक लेफ्ट साइड से होकर के और एक राइट साइड से। देखिए इधर से लेफ्ट साइड से होकर के भी जाने का रास्ता है और इधर से राइट साइड से भी, तो देखिए कि सब लोग राइट साइड से ही जा रहे हैं तो फिर चलते हैं हम लोग भी राइट साइड से ही। और देखिए इधर आगे तरफ आने के बाद में फिर देखिए सभी लोग इधर राइट साइड से ही जा रहे हैं। और देखिए इधर आगे आने के बाद में फिर यहाँ पे बहुत सारा चिड़िया वगैरह सब है। देखिए इधर में अंदर जो पिंजरा जैसा जो बना हुआ है बड़ा बड़ा, ये सभी कुछ में चिड़िया वगैरह सब जो रखा हुआ है यहाँ पे। देखिए आप लोग, बहुत सारा अंदर में बैठा हुआ इस वजह से दिखाई नहीं भी दे रहा है। और देखिए यहाँ पर बाहर में सभी जो चिड़िया वगैरह सब है उसके बाहर बाहर में लिखा हुआ है। और देखिए इसको जिस एमू जिसको बोला जाता है, इसके बगल में एमू लिखा हुआ था। और देखिए कितना बड़ा बड़ा है ये सभी कुछ। और यहाँ पे जो ओरमांझी पार्क है, जो यहाँ पे बहुत सारे छोटे बच्चे सभी के साथ में भी आ सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे बच्चों का देखने लायक यहाँ जानवर वगैरह सभी है, आगे में ले जाके दिखाएंगे वो सभी कुछ को भी। चलिए दोस्तों, उधर और आगे ले चलते हैं आप लोगों को और आगे भी दिखाएंगे कि और यहाँ क्या कुछ है उसको आप लोगों को। देखिए इधर आगे आने के बाद से तो मुर्ग सब भी है, देखिए ये सभी कुछ भी कितना बड़ा बड़ा है। देखिए खड़ा होने से कितना बड़ा दिखाई देता है। देखिए कुछ कुछ शुतुरमुर्ग सब है जो अपना खाना वगैरह सब खा रहा है। और देखिए अगर आगे आप लोग देखिएगा तो बहुत सारा आगे भी बहुत सारा जानवर वगैरह सब दिखेगा। और देखिए खड़ा होने के बाद में कितना बड़ा दिखाई देता है, बहुत ही बड़ा है, जितना हम लोगों का हाइट जो है उतना हाइट के करीब ये भी हो जाता है। देखिए देखने से पता चल रहा है, भले आप लोगों को फ़ोन में कम ही छोटा दिखाई दे रहा होगा लेकिन रियल में देखने से बहुत बड़ा है ये। और चलिए दोस्तों, उधर आगे चलते हैं और आप लोगों को और भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ भारतीय टाइगर जो बाघ है ये सभी कुछ का भी यहाँ पर रखा हुआ है यहाँ पर जो ओरमांझी जो पार्क है यहाँ पर, देखिए। और इसी के अंदर में है यहाँ पे बाघ, आप उधर आगे में जो उसका घर जैसा जो बना हुआ है यहाँ पे देखिए आप लोग कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, देखिए कितना ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। अगर यही चीज़ खुला जंगल वगैरह सब में दिख जाने पर मैं कितना बड़ा बड़ा जानवर सबको जो शिकार कर लेता है अपना, लेकिन देखिए यहाँ पिंजरा में ये जो बंद है यहाँ पर, इस वजह से अंदर ही ये घूम फिर रहा है और यहाँ पर लोग आके काफ़ी आराम से यहाँ पर देख पाते हैं। देखिए और कितना ही बड़ा है, और इसके अंदर में भी एक है और ये इधर बाहर में घूम रहा है, देखिए आप लोग। और देखिए दोस्तों, अब वो चला गया उधर अंदर और इधर आगे तरफ आ रहे हैं अब हम लोग। और इधर में देखिएगा तो इधर में तेंदुआ जो है वो सभी कुछ भी है इस साइड में, और ये भी बड़ा बड़ा जो पिंजरा देख रहे हैं इसी के अंदर में है। देखिए वो उधर ऊपर में जाके सोया हुआ है अभी,
और कहे कि थोड़ा बहुत धूप भी लग रहा है, इस वजह से ऊपर में है छाया तरफ में। देखिए यहाँ बाहर में ही बनाया हुआ है तेंदुआ का चित्र। देखिए इधर में काला तेंदुआ है, देखिए आप लोग, और इसको थोड़ा बहुत चोट लग गया है शायद, इस वजह से चलने में थोड़ा सा लंगड़ा करके चल रहा है। देखिए चलने में भी इसको दिक्कत हो रहा है, लेकिन भी इधर उधर चल फिर रहा है। और देखिए दोस्तों इधर आगे आने के बाद में देखिए इधर में जंगली बिल्ली वगैरह सब जो है वो सभी कुछ को यहाँ पे जो और मांझी जो पार्क है यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए ये जो बिल्ली वगैरह सब है ये सभी कुछ को अलग अलग करके यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ बहुत सारे जानवर जो है वो सबको एक जगह इकट्ठा करके इस जो पार्क है यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए दोस्तों उधर आगे तरफ चलते हैं, और देखिए इधर आगे आने के बाद में जो शेर जो है यहाँ भारतीय शेर वो सभी कुछ को भी यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए इधर में यही वो जो शेर है, देखिए कैसा छाया में बैठा हुआ है अभी, देखिए आप लोग कितना ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। और देखिए अब उधर आगे तरफ चला गया, अब जो वहाँ पे बैठा हुआ था छाया में उसके बाद में देखिए उधर में देख रहा है। और अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्या आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए इधर में पिंजरा में भी एक बंद है और एक उधर बाहर में था, देखिए अंदर में भी कितना आराम से बैठा हुआ है अभी। देखिए दोस्तों यहाँ आने के बाद में जो कुछ भी यहाँ जानवर वगैरह सब रखा हुआ है वो सबको सिर्फ आप लोग बाहर से देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एलिफेंट गार्डन है, और यहाँ जो पार्क जैसा दिख रहा है इसी के किनारे में उधर एक छोटा सा रेस्टोरेंट वगैरह सब भी है। और चलिए आप लोगों को उधर भी ले चलते हैं, जो पार्क जो देख रहे हैं आप लोग इसके किनारे किनारे में बहुत सारा बैठने वगैरह सबके लिए भी बनाया हुआ है। और देखिए यही वो रेस्टोरेंट है, यहाँ से बहुत कुछ खाने पीने का चीज़ वगैरह सब भी मिलता है अंदर में ही, और यहाँ से ख़रीद करके आप लोग ले जा सकते हैं, क्योंकि जो पार्क है बहुत ही बड़ा है और आप लोगों को घूमते घूमते थकान भी आ जाएगा, चाहे भूख भी लगेगा, इस वजह से आप लोग यहाँ पे खाने पीने का अंदर में ही है, और पीने का पानी वगैरह सब कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक सब भी सब कुछ मिलता है। देखिए यहाँ रेस्टोरेंट आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे नौका विहार लिखा हुआ है, यहाँ पे वोटिंग का भी सुविधा दिया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ जो है पानी कम होने के वजह से यहाँ भी वोटिंग चालू नहीं है। देखिए इधर में पूरा खाली ही है इस साइड में देखिएगा तो, और उधर आगे भी जाएंगे तो फिर आगे भी देखिए पूरा इधर में पानी कितना कम है, और यहाँ पे देखिए सब बोट वगैरह सब जो बोटिंग के लिए है वो सब किनारे किनारे रखा हुआ है, और पानी कम होने के वजह से, और पानी ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पे बोटिंग वगैरह सब भी चलता है इस पार्क में। देखिए दोस्तों उधर जो छोटा सा रेस्टोरेंट और दुकान जैसा था वहाँ से एक छोटा सा एक केक भी ले लिए थे हम भी, अब उसको खा लेते हैं उसके बाद में फिर आगे जाएंगे और आगे भी दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए दोस्तों उधर और आगे चलते हैं, और आगे भी आप लोगों को ले चलते हैं और आगे दिखाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग घूमने वगैरह सब के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए इधर में आगे आने के बाद में भालू वगैरह सब भी है जो जंगल में है वो भालू वगैरह सब, और देखिए यहाँ बहुत सारे लोग देखने वगैरह सब के लिए आए हुए हैं इस साइड में, और देखिए जो है काला भालू है और देखने में कितना ही खतरनाक लग रहा है। देखिए यही भालू वगैरह सब खुला जंगल वगैरह सब में मिल जाने से बहुत सारे लोगों के ऊपर हमला वगैरह सब भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पाला हुआ है और अंदर में रखा हुआ है, और इतना दूरी बनाया हुआ है दोस्तों कि ये लोग बाहर से देख सकते हैं, बाकी सामने जा नहीं सकते हैं वैसा। और देखिए इधर आगे आने के बाद में इधर भी बहुत सारा जानवर वगैरह सब है, इस साइड में देखिएगा तो इधर में हाथी वगैरह सब है, और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ देखने वगैरह सब के लिए आए हुए हैं। देखिए ये जो हाथी वगैरह सब देख रहे हैं आप लोग ये सभी कुछ को, देखिए दोस्तों इधर में बहुत सारा हाथी वगैरह सब भी रखा हुआ है देखिए इस साइड में, और देखिए उधर में भी एक छोटा है हाथी है वो भी इधर में आ रहा है अभी, और देखिए वो जो पीछे देख रहे हैं आप लोग घर वगैरह सब वही सब ये सब का रहने का घर है, वही समय जैसे धूप के समय में चाहे पानी के समय में वही घर जो है उसी में बस रहते रखते हैं ये हाथी वगैरह सबको। और देखिए अभी दोनों हाथी एक साथ में मिल चुके हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने वगैरह सब के लिए आते हैं, और
अगर आप लोग भी कभी नहीं आए हैं तो आ सकते हैं यहाँ पे। और कहेंगे ये जो है जंगल में पार्क बना हुआ है और इस पार्क में बहुत सारे जंगली जानवरों सबको रखा हुआ है, जो रियल जानवर है वो सभी कुछ को। और देखिए इधर में आगे भी बहुत सारे जानवर वगैरह सब है, वो सभी कुछ को दिखाते हैं उधर, हाथी वगैरह सब देखने के बाद में। देखिए इधर में ये जो बाउंड्री किया हुआ है, ये बाउंड्री के अंदर में ही बहुत सारे जानवर वगैरह सब है इधर में, और तरह तरह का। और देखिए कहीं के दूर में है, इस वजह से आप लोगों को उतना अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा। और देखिए इधर में आने के बाद में इधर में सामने से आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं, कितना ही अंदर में धूप लग रहा है, इस वजह से सभी जानवर वगैरह सब छाया में है। और ये सब कुछ को भी देखिए, बहुत सारे जानवर वगैरह सबको भूख वगैरह सब भी लगता होगा, इस वजह से जैसे बहुत सारे लोग देखने वगैरह सबके लाते हैं तो ये जानवर सब इधर सामने में आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग बाहर से कोई चीज़ खाने के लिए यहाँ जानवर वगैरह सबको दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो देख रेख करने वाले हैं वो लोग मना करते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर से कोई चीज़ वगैरह सबको देना नहीं है इस वजह से। और ये जो इसके अंदर में जो देख रहे बाउंड्री, ये बाउंड्री के अंदर में सभी जो घास वगैरह सब खाने वाले जानवर सब है, तो एक भी घास वगैरह सब नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी घास वगैरह सब ये सब खा चुके हैं। और जो बाहर से इनको चारा वगैरह सब देते हैं वो लोग यहाँ से समय समय पर। देखिए और देखिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारा ये जो जानवर वगैरह सब है इस पार्क में आप लोगों को घुमा करके दिखा दिए। आप चलिए, यहाँ काफ़ी समय हो चुका है, अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि सभी लोग बाहर जाने के लिए टाइम भी हो चुका है बहुत। और देखिए थक जाने के बाद में बहुत सारे लोग बैठते हैं, सब पार्क यहाँ आए थे घूमने के लिए, और घूम के आप लोगों को बहुत सारी चीज़ को दिखा दिए, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं घूम करके। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताइएगा ज़रूर आप लोग, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए यहाँ से गेट के तरफ में चलते हैं, और काफ़ी थक चुके हैं, कहे कि यहाँ बहुत बड़ा और मांझी जो पार्क है यहाँ पे, और तो इधर बाहर आने की तरफ में आ गए हैं। अब यहाँ से देखिए यही जो प्रवेश द्वार है ये वाला, और निकलने के लिए उधर बगल से है तो फिर उधर आगे से निकलेंगे। देखिए और बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल वगैरह सब रहे हैं, और उधर में जाके अभी हेलमेट वगैरह सब रखे थे वो सभी ले लेंगे, और उधर भी दिखाएंगे आप लोगों को रखने का। देखिए इधर में ही है जो निकलने का जो लिखा हुआ है, और इधर में ही अभी निकलेंगे यहाँ से। देखिए यही वो गेट है जहाँ से बाहर निकलने का। और चलिए अब यहाँ से जो हेलमेट रखे थे उधर भी हेलमेट वगैरह सब ले लेते हैं, और यही वो टिकट है जिस नंबर पे मेरा सामान जो रखा हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हेलमेट वगैरह सब था, तो वही हेलमेट ही लेना है इस वजह से। देखिए और यहाँ पे देखिएगा तो जो पीछे में देखिए आप लोग यहाँ सामान रखने वाला जो घर है, और यहीं पे अंदर में बहुत सारा सामान वगैरह सब रखा हुआ है, और यही मेरा टिकट है। और चलिए यहाँ से अब ले लेते हैं, उसके बाद में फिर निकलेंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों यहीं पर जो सामान वामान रखने वाला घर है, और यहाँ पे बहुत सारा सामान वगैरह सब रखा हुआ है अंदर में, हेलमेट वगैरह सब का, उसको अंदर ले जाने नहीं देते हैं, इस वजह से यहाँ रखने का भी सुविधा दिया हुआ है। और आप लोग कभी भी आइएगा तो यहाँ पे रखने का जो है सुविधा दिया हुआ है यहाँ पे। और चलिए दोस्तों ये हेलमेट ले लिया, अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग, उधर में गाड़ी वगैरह सब रखे हैं तो उस साइड से गाड़ी सब निकाल लेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ से जाएँगे। देखिए दोस्तों इधर में जो गाड़ी वगैरह सब रखे थे इधर पार्किंग में आ चुके हैं, और यहाँ से जो गाड़ी वगैरह सब रखे हैं उधर में वही गाड़ी सबको निकाल लेते हैं। देखिए इधर में पार्किंग में बहुत सारा गाड़ी वगैरह सब रखने का यहाँ जगह दिया हुआ है, और इधर में देखिएगा तो रखे हुए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्किंग जो है यहाँ से गाड़ी वगैरह सब निकाल दे रहे हैं हम लोग, और देखिए इधर में भी जो भैया लोग हैं यही लोग यहाँ पार्किंग में चेक करते हैं टिकट वगैरह सब। और चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, पार्किंग टिकट भी चेक करा लिए,